नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको एक पोयम सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है ईमानदारी का इनाम। एक गरीब लकड़हारा था, लकड़ी काटता, लकड़ी बेचता, जीविका चलाता। एक दिन नदी किनारे पेड़ पर चढ़ा, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी छूट गई, नदी में गिर गई। बेचारा लकड़हारा उदास, आंखों में आंसू, जल की देवी ने देखा, नदी में डुबकी लगाई, सोने की कुल्हाड़ी लाई। लकड़हारे ने देखा, रुकी न उसकी रुलाई, कहा यह मेरी नहीं। जल की देवी ने फिर डुबकी लगाई, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लाई, नहीं यह भी मेरी नहीं। लकड़हारे की आवाज आई, जल की देवी ने पुनः डुबकी लगाई, इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लाई। लकड़हारे की रू की रुलाई, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जल की झुककर पैर छुए देवी के, ईमानदारी देख लकड़हारे की खुश हो गई जल की देवी। सोने चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे ने इनाम में पाई। दिया वचन जल की देवी को, मैं काटूंगा पेड़ भविष्य में, जो काटे हैं पेड़ अभी तक, उनकी मैं भरपाई करूंगा। एक की जगह लगा पेड़ 10 दूंगा, पेड़ों से वन को भर दूंगा। संदेश देखो है कितना प्यारा, सबके लिए है कितना न्यारा। ईमानदारी का साथ न छोड़ो, सच्चाई से मुंह न मोड़ो। जय हिंद, जय भारत।